नमस्कार, मैं उदय, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसी खबर को लेकर बात करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दाऊद इब्राहिम, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, पाकिस्तान में है, उसके अस्पताल में दाखिल होने की खबरें हैं और बताया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि अस्पताल में शायद किसी ने उसे जहर दे दिया है, हालत गंभीर है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां नेट बंद कर दिया गया है और दाऊद के समधी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद और उनके पूरे परिवार के लोगों को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के कई दुश्मन, दाऊद इब्राहिम ही नहीं, कई दुश्मन पिछले एक वर्ष के दौरान या साल 2023 में ठिकाने लगा दिए गए हैं। अगर कुछ नामों की हम बात करें तो कुछ जो अहम नाम है हम आपको बता देना चाहेंगे। हंजला अदनान 6 दिसंबर 2023 को लश्करे तैयबा का आतंकी था, पाकिस्तान के कराची में उसे गोलियों से भून दिया गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का आरोप था। ठीक उसके पहले 14 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुजम्मिल, सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल की गोली मारकर हत्या कर दी। वो खोखरन चौक के पास, वो सियालकोट के पसरूर तहसील इलाके में था, वो भी भारत में कई मामलों में आरोपी था। उसके दो दिन पहले 12 नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीम, उसे गोली मार दी गई थी, उसकी भी भारत को तलाश थी। वो कराची में भारत के खिलाफ जुटी भीड़ को संबोधित करने जा रहा था और उसी वक्त गोली मार दी गई थी। इसी तरह अकरम खान, 9 दिसंबर 2023 को अकरम खान की हत्या पाकिस्तान के बाजौर में कर दी गई थी। वो पाकिस्तान में भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। ये तो पाकिस्तान की बात हुई, कनाडा में कई खालिस्तानी आतंकवादियों को मार दिया गया है, अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। कई सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन है जो भारत के दुश्मनों को निपटा रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और क्या कहेंगे आप? देखिए, दाऊद का जो मामला सामने आया है और ये दावा किया जा रहा है कि शायद उसे जो कराची में उसका आवास है वहां पर उसे जहर दिया गया है, अब सवाल उठता है कि इस तरह की घटना को अंजाम कौन दे रहा है। तो देखिए, अगर हम दाऊद के मामले पर ही अगर रुके रहें और ये देखें तो जो कुछ जो आप कहते हैं शक की सुई या जो संभावनाएं आप तलाशते हैं, तो देखिए, एक तो ये हो सकता है कि चूंकि दाऊद का एक गैंग था तो गैंग में भी कई बार गैंग में इंटरनल एक रिफ्ट होती है और लोग वो जगह लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कोई घटना है, एक तो ये संभावना है। जो सबसे ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है उदय, वो ये की जा रही है कि जो वहाँ पर ISI है और जो वहाँ की आर्मी है उसे लेकर सबसे ज़्यादा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं भारतीय खुफिया एजेंसी दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेती है तो वो बहुत सारे राज जो है वो उगल सकता है। तो एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ये काम जो है या तो पाकिस्तानी आर्मी या ISI का भी हो सकता है। और अगर आप देखें कि 1993 के बाद से दाऊद जो है वो भारत से भागा हुआ है और पाकिस्तान हमेशा इस बात से को नकारता रहा है कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान में है। और अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई है कि दाऊद जो है वो अस्पताल में है, जहर दी गई है, ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उसने अब तक जो है इस खबर को नकारा था कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है। अब अगर वो ये कहता है कि दाऊद जो है अस्पताल में है तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और इससे पूरे विश्व बिरादरी में जो है पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी हो सकती है। हालांकि उसे अब इसकी आदत हो गई है उदय, लेकिन ये हो सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आपने चर्चा की शुरुआत करते हुए की, ये जरूर है कि इधर हाल के कुछ समय में अगर आप देखें तो जो भारत के दुश्मन हैं उनका सफाया हो रहा है एक एक करके, जो कि भारत के वांटेड रहे हैं, मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में आते हैं, और उनका सफाया एक एक करके हो रहा है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि कही जाती हैं, कितना सच है कितना झूठ है बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम देख रहे हैं कि जो भारत के दुश्मन है उनकी बारी जो है बारी बारी से आ रही है और कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई अगवा हो जा रहे हैं, फिर उनकी हत्या हो जा रही है, कुछ नाम अभी आपने बताए, गोली मारकर हत्या हो जा रही है, तो इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन जहां तक दाऊद की बात है, ये खबर
आ रही है कि उन्हें जहर दिया गया है, लेकिन देखिए इन दावों में कितनी सच्चाई है। जी एक सवाल ये भी उठ रहा है, खालिस्तानी आतंकवादियों किसी को गोली मारी गई है, कोई वाहन दुर्घटना में मारा गया है, किसी के अस्पताल में मौत हुई है, निज्जर की मौत हुई थी, कनाडा ने आपत्ति जताई थी, भारत पे टारगेट किया था, भारत ने कड़े शब्दों में जवाब दिया था, लेकिन सवाल ये है कि दाऊद इब्राहिम भारत का मुजरिम है, भारत का मोस्ट वांटेड है, लेकिन लगता है वो पाकिस्तान का नूरे नजर चश्मे चिराग है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान ने इंटरनेट तक बंद कर दिया है कि दाऊद की मौत की खबर। क्या लगता है पाकिस्तान में अव्यवस्था फैल सकती है क्या? देखिए ये हो सकता है, वैसे इसकी दो खबर है जो सूचना है कि शायद इमरान खान का भी कोई प्रोग्राम था और इधर दाऊद की भी खबर आ गई, तो किस वजह से बंद किया गया या दोनों वजह थी ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, ये पाकिस्तानी सरकार ही बता सकती है। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तान अब तक छुपाता रहा, जबकि हम सभी जानते हैं और जो खबर है उसके अनुसार ये माना जाता है कि दाऊद कराची में ही रह रहा है और वहाँ पर जो है उसे सारी सुख सुविधाएँ जो है वो दी जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त के बीच किसने जो है दाऊद के साथ ये काम किया है कि उसे जहर दिया है, अगर ये खबर सच्ची है तो। वैसे देखिए दावों में कितना दम है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि दाऊद को लेकर पास्ट में भी इस तरह की खबरें आई हैं, चाहे वो आप कोविड के समय की बात कर ले, उस समय भी उसे लेकर खबर आई थी जो बाद में गलत साबित हुई, उससे पहले उसके पैर में कुछ हुआ था उसको लेकर भी एक खबर आई थी जो बाद में गलत साबित हुई थी, तो ये खबर कितनी सच्ची है और क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो है, दिलचस्प है कि भारत के जो दुश्मन है वो एक एक कर जो है वो किसी न किसी वजह से मारे जा रहे हैं। चलिए देखने वाली बात यह होगी कि अगर दाऊद के साथ क्या होता है, एक दो दिनों में या कुछ घंटों में खुलासा जल्द हो जाएगा, लेकिन भारतवासियों के लिए यह राहत की बात है कि चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, जो भारत विरोधी हैं, भारत के मोस्ट वांटेड हैं, एक एक कर उनका सफाया हो रहा है, कोई अज्ञात अद्भुत शक्ति है जो सभी को निपटा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।